गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न क्लास फिफ्थ जीके लेसन नंबर 17, लेसन नेम इंडियाज हीरोज ऑफ रियो ओलंपिक्स। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम इंडिया के जो हीरोज हैं, खिलाड़ी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। रियो ओलंपिक्स वर हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2016। दे वर हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। फोर इंडियन स्पोर्ट पर्सन केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। स्टूडेंट्स, जो ओलंपिक्स गेम 2016 में अगस्त के महीने में हुए थे, उस गेम में, उन ओलंपिक्स गेम में जो हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने, हमारे इंडिया के जो खिलाड़ी थे, उन्होंने जो अपना टैलेंट दिखाया था, हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। हम इन सब खिलाड़ियों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट इज पीवी सिंधु। स्टूडेंट्स, पीवी सिंधु ये एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। दिस इंडियन शटलर हैज क्रिएट हिस्ट्री बाय विनिंग सिल्वर मेडल इन वुमेन सिंगल बैडमिंटन इवेंट। पीवी सिंधु ने एक हिस्ट्री, एक इतिहास रचा है। स्टूडेंट्स, पीवी सिंधु ने ओलंपिक्स गेम में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतकर अपना एक इतिहास रचा है। ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स गेम में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। सेकेंड इज साक्षी मलिक। स्टूडेंट्स, साक्षी मलिक क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग इवेंट। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक्स गेमों में रेसलिंग में ब्रॉन्ज मीन्स कांस्य पदक मेडल जीता है। सेकेंड इज साक्षी मलिक। स्टूडेंट्स, साक्षी मलिक भारतीय महिला पहलवान हैं। साक्षी मलिक क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग इवेंट। बच्चों, साक्षी मलिक ने ओलंपिक्स गेमों में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर, कांस्य पदक जीतकर एक इतिहास रचा है। साक्षी मलिक ने ओलंपिक्स गेमों में जो है 58 kg कैटेगरी मीन्स 58 kg कैटेगरी में इन्होंने जो है सेकेंड इज साक्षी मलिक। साक्षी मलिक क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग इवेंट। स्टूडेंट्स, साक्षी मलिक एक महिला पहलवान हैं। इन्होंने ओलंपिक्स गेमों में सेकेंड इज साक्षी मलिक। साक्षी मलिक क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग इवेंट। बच्चों, 2016 में ओलंपिक्स गेम में साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक इतिहास रचा था। बच्चों, इन्होंने ओलंपिक्स गेमों में 15 kg कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। ये भारत में की पहली महिला पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में रेसलिंग में कांस्य पदक मीन्स ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साक्षी मलिक ने बच्चों 2014 में कॉमनवेल्थ गेमों में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट इज जीतू राय। जीतू राय परफॉर्म वेल इन इवेंट ऑफ शूटिंग इन रियो ओलंपिक्स। बच्चों, जीतू राय ने ओलंपिक्स गेमों में शूटिंग में अपना परफॉर्मेंस दिया और बहुत अच्छे से दिया। इन्होंने 10 m एयर पिस्टल कंपटीशन में, 10 m एयर पिस्टल कंपटीशन में ये 8वें स्थान पर रहे, मींस ये 8 नंबर पर रहे थे। नेक्स्ट इज दीपा कर्माकर। बच्चों, दीपा कर्माकर एक जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं। दीपा कर्माकर ऑफ त्रिपुरा इज द फर्स्ट इंडियन हु क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स गेम इन द इवेंट ऑफ जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर त्रिपुरा की रहने वाली हैं। ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक्स गेमों में जिम्नास्टिक में क्वालिफाइड किया। शी शो हर कैपेबिलिटी इन डूइंग वेल द टफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडुनोवा। इट इज़ अ रिस्की आइटम ऑफ जिम्नास्टिक। स्टूडेंट्स, दीपा कर्माकर ने जो है जिम्नास्टिक की जो सबसे ज़्यादा भारी और रिस्की आइटम है
प्रोडोनोवा उसमें अपनी योग्यता दिखाई और बहुत अच्छे से उन्होंने जो है इस आइटम को, इस रिस्क आइटम को जो है प्रस्तुत किया, बहुत अच्छे से इसे किया। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 17 की एक्सरसाइज है। ऑल दीज फोर पर्सनैलिटीज ऑफ स्पोर्ट्स हैव बीन डेकोरेटेड बाय राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। फर्स्ट इज हु वॉन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन रियो ओलंपिक गेम्स। किसने रियो ओलंपिक गेम में सिल्वर मेडल जीता था? पी वी सिंधु ने बैडमिंटन में रियो ओलंपिक में जो है सिल्वर मेडल जीता था। सेकंड इज हु मिस्ड हर ब्रॉन्ज मेडल इन जिमनास्टिक बाय अ मार्जिन ऑफ 0.15 नंबर्स। स्टूडेंट्स, दीपा कर्माकर जो है 0.15 नंबर से इन्हें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने से ये रह गई थी। कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन रियो ओलंपिक्स। कितनी कंट्री हैं जो रियो ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट करती हैं? कितनी कंट्रीज हैं? 207। फोर्थ इज इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अवार्डेड टू पीवी सिंधु। इंडियन गवर्नमेंट ने पीवी सिंधु को कौन से अवार्ड से नवाजा था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 17 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।